जब भाग्येश साथ दे रहा हो तो ऐसे में क्या डरने की बात है। जब ढैया साथ दे रही हो, मतलब जिसको ढैया लगने के बाद बेहतर स्थितियां प्राप्त हो जाएं, ऐसा विरला व्यक्ति इस बार है कर्क राशि वाले। तो एंजॉय कीजिए 2024 को। मैं कामिनी खन्ना कर्क राशि वालों के लिए, जो कि बहुत ही भोले प्यारे से निरपराध और शांति प्रिय, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है इनको, जो के कंट्रोल में नहीं आता और सब बात बिगाड़ के फिर सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं। तो ये बातें तो मैं अपने राशि वाले वीडियो में काफी बोल चुकी हूँ, लेकिन आप बहुत ही अच्छे इंसान होते हो और भगवान ने आपको इसीलिए ढैया में भी कोई तकलीफ नहीं दी है और 2024 आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। मैं कामिनी खन्ना आपको देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इतने दिनों से आपका स्ट्रगल चल रहा था, बहुत ज्यादा कष्ट उठाया आपने गुरु राहु चांडाल योग का। अब जो गुरु हैं वो मुक्त हुए हैं राहु के चंगुल से। फिलहाल जो राहु है वो अभी आपके भाग्य में बैठा हुआ है, तो दिमाग में खुराफाते तो चलती हैं कि ये कर लूँ, घर छोड़ दूँ, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ये काम कर लूँ, लेकिन ये खुराफाते अब आपकी कम हो गई हैं और अब आप सीधे मुंह काम पे लग गए हो घोड़े की तरह दोनों तरफ लगा के जो है। और साथ साथ आपको धन की प्राप्ति भी होने वाली है। भूलिएगा नहीं कि गुरु की पंचम दृष्टि जो है आपके धन स्थान पे पूर्वार्ध में पड़ती है। घर परिवार में पैसा, खुशियां और चेहरे पे सात्विकता और आपके कर्मों में सात्विकता, आपका संचित धन बनना सब कुछ कार्ड्स पे है। सबसे पहले मैं आपको निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/BeautyWithAstrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप ऊपर ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उन लोगों के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। बात कर रही हूँ कर्क राशि की। कर्क राशि, कर्क लग्न, एंजॉय कीजिए अपनी परिस्थिति 2024 में। हालांकि ये साल जो है शनि का साल है, लेकिन शनि का साल होते हुए भी आपको इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी जो पीछे भी मैंने आपको बताया था कि ढैया कभी शुभ होती है क्या, लेकिन ढैया आपके लिए शुभ है, वो आपकी हेल्थ अच्छी कर देगी, आपका व्यावसायिक जो इंस्टिंक्ट है वो जागेगा, आपका ससुराल पक्ष से सपोर्ट मिलेगा आपका। आप ये भी समझ लीजिए कि इसी साल के जो ये पूर्वार्ध में आपको बड़े बड़े काम इज्जत के साथ मिलेंगे, जो आपने कभी सोचा ना था। ऐसे काम धार्मिक काम भी करते हैं आप तो उसमें भी उन्नति हो जाएगी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी उन्नति हो जाएगी। और उत्तरार्ध में क्या होगा, उत्तरार्ध में संतान इच्छुक लोगों को संतान की प्राप्ति हो सकती है, विद्या अर्जन करने वाले लोगों को वीजा वगैरह लग सकते हैं, जिन लोगों को विदेश जाना था उन लोगों के काम हो सकते हैं। केसेस विवाद से थोड़ा बचिएगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में पड़िएगा नहीं, क्योंकि ये गुरु आपको वहां पर सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन महालक्ष्मी योग बनेगा और धन का आपके पास आगमन अवश्य होगा। बात करते हैं शनि की, तो शनि महाराज दशम स्थान को नीच दृष्टि से देखते तो हैं, लेकिन दशम स्थान उनका अपना स्थान है, इसलिए एक तो बिना परिवार से कलह क्लेश करते हुए अपना जो बीच बीच में गुस्से का जो पटाखा फूटता है ना, उसको कंट्रोल में करते हुए अपने संचित धन को बराबर रखते हो, क्योंकि आप जितना पैसा आता है ना उड़ा देते हो और फिर उसके बाद आप ठन ठन गोपाल हो जाते हो, इसलिए अपना पैसा जो है संभाल के रखो। और जो काम मिलता है मीडिया से रिलेटेड, जो लोग लोहा लकड़ी पेट्रोल चमड़ा दवाइयाँ इंजीनियरिंग वगैरह, जो लोग नेतागिरी अभिनेतागिरी जो काम करते हैं उसमें आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश कीजिए। आपके काम नौकरी से रिलेटेड भी बन सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड अच्छी खबरें आ सकती हैं, उनके विद्या अध्ययन पढ़ाई के लिए जो हमारी स्त्रियां गर्भधारण करना चाहती हैं उनको बहुत अच्छी खबरें आ सकती हैं, लेकिन ये उत्तरार्ध में है 1 मई के बाद। और उसके साथ आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, छोटे भाई बहन आपके साथ चल सकते हैं, आपको कुछ ऐसे अनुभव भी हो सकते हैं कि आपके अंदर का जो है वैराग जो है थोड़ा जाग रहा है, जो कि ठीक नहीं है। आपको संतान प्राप्ति अवश्य हो सकती है इस साल में, और साथ साथ आपकी तबीयत जो है हरी भरी हो जाएगी, ये मैं प्रॉमिस करती हूँ। बस जब शनि वक्री होंगे ना तब अपने आप को संभालिएगा। आपके लिए अच्छी स्थितियाँ तब तब बनती हैं महीने में हर बार जब स्वग्रही होता है चंद्रमा में। हमेशा डेली हॉरोस्कोप या साप्ताहिक राशि भविष्य में भी बताती हूँ, वो डेटें आप प्राप्त कर लीजिए उससे हर महीने की। और जब चंद्रमा
उच्च के भी होते हैं तब आपको बड़ा लाभ इस बार उत्तरार्ध में हुआ करेगा, क्योंकि गुरु चारणी योग बनेगा। इस बार जब चंद्रमा दशम भाव में गुरु के साथ आएंगे तब भी आपको बड़ा लाभ गुरु चांदनी योग के साथ होता रहेगा। जिन लोगों के लिए मैं कहूँ कि उनको लोन्स वगैरह प्राप्त करने थे, काम में आगे बढ़ने के लिए नौकरी चाहिए थी, उनके लिए बहुत अच्छा योग है, वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ससुराल पक्ष के साथ मिलके काम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा साल है। अब ये साल ही शनि का है तो आपके विवाहित जीवन के जो साथी हैं उनकी बहुत उन्नति हो सकती है, व्यवसाय आपका बहुत बढ़ सकता है, आप उनके साथ मिलके बड़ा सा कोई काम कर सकते हो। ये भी याद रहे कि आपको ढैया है तो आपको हनुमान जी के मंदिर जाना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, या आपको साथ साथ आप संकट मोचन पढ़ना, इसके अलावा भी आप गण गणपति नमा के जाप करते रहिए। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने क्या कहते हैं मंत्रों को सुनिए, घर में लगाइए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, महामृत्युंजय के जाप जरूर सुनिए, क्योंकि ये राजा और मंत्री मंगल शनि है इस साल का। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि आपके लिए शिव जी की आराधना बहुत उत्तम रहेगी। आपके लिए और भी अगर उपाय मैं बताऊं तो आपके लिए अति उत्तम उपाय है कि आप पानी ज्यादा पिए, चंद्र के उपाय कीजिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, उसको ध्यान से देखे और सुने, और पानी ज्यादा पिए जिससे आपके जीवन में लिक्विड या पानी, अच्छा नींबू पानी जैसे नारियल पानी, ये सब जितने पानी के रूप में चीज होती है वो ज्यादा, बॉडी को मेंटेन कीजिए 70% वाटर, तो आपके जीवन में बाहर आएगी कि आपकी आंखें आपका बॉडी जो है एकदम फुल फुल टू चार्ज रहेगा, आपका मन भी शांत रहेगा। माता की सेवा करते रहें वही आपका धन है। ये उत्तरार्ध में आपको अपनी माँ की तबीयत और उनका धन संभालने की जरूरत पड़ेगी, और उत्तरार्ध में आपको पिता की भी तबीयत संभालने की जरूरत पड़ेगी। ये भी नहीं कि आप बहुत ज्यादा पैसा उत्तरार्ध में इन्वेस्ट करते हैं अपने कामकाज में, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि शनि की ये दृष्टि पड़ रही है आपके माइंड पर, तो गलत सोचना आपके लिए अच्छा नहीं। अब गलत सोच को कैसे बदलेंगे आप कहेंगे, तो प्राणायाम शनि का बहुत बड़ा उपाय है, महामृत्युंजय करना शनि का बहुत बड़ा उपाय है, और साथ साथ आपको मैं बता दूं शिव जी को जाके जल चढ़ाना, काले तिल चढ़ाना भी शनि का बहुत बड़ा उपाय है। लोगों में खाना बांटना, गरीबों की मदद करना, हेल्प करना, ये सब चीजों से भी शनि महाराज प्रसन्न होते हैं। आप हनुमान जी को कड़वा तेल भी चढ़ा सकते हैं, हनुमान जी को कड़वा तेल में उड़द डाल के भी चढ़ा सकते हैं। अदरवाइज ऑल्सो आप हनुमान जी के लिए सुंदर कांड पढ़ें या कोई भी ऐसी आराधना करें जो आपको पसंद हो। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, ये वाला मंत्र आप निरंतर पढ़ सकते हैं, आपके जीवन में कोई किसी प्रकार का संकट या कष्ट नहीं आएगा। आपके लिए एक और बात जो मुझे यहाँ बतानी जरूरी लगती है कि पूर्वार्ध में आप अपनी प्रॉपर्टियां, पूर्वार्ध में आप अपना ऐसा कोई काम जिसमें आपको इन्वेस्ट करना था सब कुछ कर सकते हैं आप, इसलिए 1 मई तक आप ये काम अवश्य करें। किसी को अगर प्रॉपर्टी खरीदनी भी है तो वो पूर्वार्ध में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, लेकिन बहुत बचते हुए, वेस्ट ना करते हुए धन। इसमें आपकी माता पक्ष का भी आपको बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। तो कर्क राशि वालों, ढैया के रहते हुए भी गुरु के बल पर, और साथ में भाग्यश है गुरु आपका, उसके बल पर आप आगे बढ़ सकते हैं 2024 में। गॉड ब्लेस यू, इतने प्यारे लोग, 2024 की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 2024 आपके जीवन में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि आरोग्य स्वास्थ्य खुशियां सब लेकर आए। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।
जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद ना सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम ले लो, गा ले लो, ना